फायरवोल्ट की तरफ से यह न्यू लॉन्च वॉच है, अभी सबसे ज़्यादा सेल होने वाली वॉच बन चुकी है। इसका जो रीज़न है वह है यूनिसेक्स वॉच है, अमेज़ॉन पर बेस्ट सेलर है, अमेज़ॉन चॉइस पर है, और इस प्राइस पॉइंट पर आपको जो फीचर्स देखने मिलेंगे वह इस रेंज की किसी वॉच में आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं इस वॉच के बारे में तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूट्यूब चैनल। कुछ इस तरह से आपको फायरबोल्ट की फीनिक्स वॉच का बॉक्स देखने मिलता है। यह एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है जो कि आपको वॉइस असिस्टेंट के साथ मिलती है। आज की रेट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली वॉच है, अमेज़ॉन पर बेस्ट सेलर है, अमेज़ॉन चॉइस पर है, सारे ही रैंक में फर्स्ट कैटेगरी पर अभी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इसके प्राइस और फीचर्स के कारण। अगर बैक एंड में हम इसके चेक करें तो यहाँ पर आप देखेंगे स्लीप मॉनिटरिंग, स्मार्ट नोटिफिकेशन, कैमरा कंट्रोल, विल्टन माइक्रोफोन एंड स्पीकर, IP67 रेजिस्टेंस, वेदर अपडेट और कुछ यहाँ पर मेन फीचर्स आपको दिए गए हैं। वॉच को कनेक्ट करने के लिए आपको इसके डाफेट ऐप को यूज़ करना है। और अगर आप इसके प्राइस को चेक करेंगे जो कि अभी बॉक्स पर प्रिंट है वह है 9,999 रुपये। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आप देखेंगे मेटल केस बॉडी लिखा हुआ है, तो हमारी जो वॉच होने वाली है वह मेटल केस के साथ होने वाली है। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको स्मार्ट वॉच देखने मिलती है, हालांकि वॉच की जो बिल्ड क्वालिटी है वह काफ़ी अच्छी है, आगे हम इसे कवर करेंगे। यहाँ पर आपको एक मैग्नेटिक चार्जर मिलता है, सेम चार्जर आपको नॉइस की सारी ही वॉचेस में देखने मिलता है। फायरबोल्ट की तरफ से एक फुल यूज़र मैनुअल दिया जाता है। कुछ यहाँ पर आपको कूपन्स दिए जाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फेवरेट जो हमें मिला वह मिला बुक माय शो का। यहाँ पर आपको फ्री मूवी की एक टिकट मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको 1.3 इंचेस का सर्कुलर डिस्प्ले देखने मिलता है। बॉक्स पर आपको KR आडवाणी की फ़ोटो मिलती है, अंदर आपको धोनी की। वॉच में आप बेजल्स को भी चेक कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले दिया गया वह भी आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है। मेटल बॉडी यहाँ पर आपको देखने मिलती है। पीछे साइड आपको SpO2 हार्ट रेट सेंसर देखने मिल जाते हैं। ऊपर आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है। यहाँ पर आपको जो स्ट्रैप मिलता है देखने वह डिटैचेबल स्ट्रैप है, तो आप चाहें तो आप इसे आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। यूनिसेक्स होने के कारण यह काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है। नीचे साइड से अगर आप इसे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेंटर मिलता है। ऊपर साइड से करने पे आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं जिसमें टॉर्च, डू नॉट डिस्टर्ब और कुछ बेसिक आपको फीचर्स मिल जाते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से स्वाइप करने पर आपको इनका फुल मेन्यू बार मिलता है जहाँ पर आपको सारे ही फीचर्स मिलते हैं, आगे हम इसे चेक करेंगे। राइट हैंड साइड से अगर आप करते हैं तो स्पोर्ट मोड और एक्टिविटी के यहाँ पर आपको कुछ और फीचर्स देखने मिलते हैं। वॉच का लुक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। यह कोई पेड रिव्यू नहीं है और ना ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस वॉच को परचेज़ करें, बट कुछ फीचर्स जो मुझे अच्छे लगे वह मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा। अच्छे से यूज़ करने के लिए हम इस वॉच को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, जिसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जो कि है डाफिट। कुछ इस तरह से आपको एप्लीकेशन का इंटरफेस मिलता है। यहाँ से आपको अपने स्मार्ट वॉच को ऐड करना है, बेसिक प्रोसेस है। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल फेसेस मिलते हैं। अगर आप चाहें तो आप वॉच के माध्यम से भी फेसेस को चेंज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वही सेम काम आप वॉच से भी कर सकते हैं। वन क्लिक करके आप यहाँ से इसके फेसेस को चेंज कर सकते हैं। हालाँकि कलर्स की क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसके बाद हम नोटिफिकेशंस पर चलेंगे, तो जो भी नोटिफिकेशन आप अपनी वॉच पर चाहते हैं, चाहे वह फ़ोन का हो, मैसेज का हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सारे ही नोटिफिकेशन को आप यहां से इनेबल कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन का मैंने रिस्पॉन्ड भी चेक किया है क्योंकि इस वॉच को मैंने 2 से 3 दिन यूज़ किया है। नीचे साइड कुछ और आपको बेसिक फंक्शन देखने मिल जाते हैं, जैसे कि फाइन डिवाइस का मिल जाता है, तो इस वॉच का जो साउंड है वह भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। यहाँ से आप वॉच को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, और वॉच से भी अगर आप चाहें तो आप मोबाइल फ़ोन को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हमारी वॉच स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट होती है और बाकी फीचर्स भी ओपन हो जाते हैं। अब जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि वॉच से ही कॉल करना, तो यहाँ पर आपको डायल पैड भी मिलता है, तो यहाँ से ही आप डायरेक्ट कॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पीकर, माइक्रोफोन दोनों ही मिलते हैं, और जो कॉन्टैक्ट्स आपके सारे ही जैसे ही आपकी वॉच कनेक्ट होगी मोबाइल फ़ोन के साथ सारे ही यहाँ पर आ जाते हैं। AI वॉइस असिस्टेंट है जो कि अभी न्यू सीरीज की वॉच में ही आना स्टार्ट हुआ है, जहाँ से आप वॉच से ही अपने फ़ोन में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। वेदर का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, अगर आप चाहें तो आप कैमरे को रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। कॉलिंग में भी मैंने इसे बहुत बार यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्ड मिला।
मैसेजेस पर भी हमने इसे ट्राई किया है, मल्टीपल सोशल मीडिया के अकाउंट से हमने इसमें मैसेज किए यह चेक करने के लिए कि इसका डिले टाइम है या नहीं। तो इंस्टेंट आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस भी रिसीव होते हैं। फ्री टाइम में अगर आप रहें तो यहाँ पर कुछ गेम्स भी दिए गए हैं, आप वॉच से ही प्ले कर सकते हैं। और इस वॉच का बैटरी बैकअप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। पर्सनली जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1499 रुपए की यह वॉच है, अगर इससे बेहतर विकल्प आपको मिलते हैं तभी आप किसी दूसरी स्मार्ट वॉच को परचेज करें, अदरवाइज यह आपके लिए बेस्ट विकल्प होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वॉच का लिंक दिया हुआ है, जाकर आप एक बार इस वॉच को जरूर चेक करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर करें। चैनल पर न्यू है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberbaba।